सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज से हम एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको ये जो आपको दोनों बुक दिख रही हैं, इन दोनों बुक के टोटल 20,000 क्वेश्चन हैं मेरे पास, उसका फुल एक्सप्लेनेशन करके मैं आपको बताऊंगा। आज के मैं वीडियो में अपना फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और शुरुआत करते हैं सॉल्व मैकेनिक्स के साथ। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व मैकेनिक्स के पहले चैप्टर के 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों? ओके, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सॉइल फॉर्मड बाय द एक्युमुलेशन ऑफ डिकिंग एंड केमिकल डिपोजिटेड वेजिटेबल मैटर अंडर कंडीशंस ऑफ एक्सेसिव मॉइस्चर इज। दोस्तों, ने पहला ऑप्शन दिया है एलुइन सॉइल। एलुइन सॉइल, तो व्हाट इज एलुइन सॉइल? एलुइन सॉइल वो सॉइल होती है जो विंड के द्वारा जमा की हुई होती है, विंड ट्रांसपोर्टर, और विंड के द्वारा लाई गई, हवा के द्वारा लाई गई एक मिट्टी और होती है, उसे बोलते हैं लॉयस। आपने रेगिस्तान में रेतीले के टिले देखे होंगे, उनको ड्यून्स भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों? और दूसरा ऑप्शन है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल हमारी वो सॉइल होती है जो रनिंग वाटर के द्वारा बहकर लाई गई होती है, रनिंग वाटर या फिर रिवर कह सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कॉलुबल सॉइल। और कॉलुबल सॉइल क्या होती है? कॉलुबल सॉइल हमारी मिक्सर होता है दोस्तों, एक एलुवियल सॉइल प्लस क्यूमुलो सॉइल का। और चौथा ऑप्शन है क्यूमुलो सॉइल। क्यूमुलो सॉइल वो सॉइल होती है दोस्तों जो सड़े गले पेड़ पौधे या फिर उनकी पत्तियों से बनी हुई। क्यूमुलो सॉइल को हम पीट सॉइल भी बोलते हैं, इसको हम मिल्क भी बोलते हैं। तो इसका निर्माण वेजिटेबल मैटर के डिपॉजिट होने से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, क्यूमुलस सॉइल। और सेकेंड क्वेश्चन है, फॉर फाइन ग्रेन कोसिव सॉइल्स मेथड यूज्ड फॉर ड्रेनेज इज। दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन है डिचेस एंड सम्प। दोस्तों, ये चारों ऑप्शन एक प्रोसेस हैं सॉइल से वाटर को निकालने के लिए, सॉइल को डिवाटरिंग करने के लिए, ड्रेनेज बनाने के लिए। तो दोस्तों, ने पहला ऑप्शन दिया है डिचेस एंड सम्प। दोस्तों, इसका यूज हम कब जब करते हैं डिवाटरिंग प्रोसेस में, जब कोई सॉइल सैंड सॉइल होती है। दूसरा ऑप्शन है सैलो वेल सिस्टम। जैसा नाम से ही आपको पता चल रहा है कि सैलो वेल सिस्टम है, तो एक कुआ खोदा जाता है मिट्टी में डिवाटरिंग करने के लिए, जो ओनली फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल को ड्रेनेज करने के लिए यूज होता है। तीसरा है डीप वेल सिस्टम। डीप वेल सिस्टम बिल्कुल इसका सैलो वेल सिस्टम का अपोजिट है, जो ग्राउंड में डीपली जाके सॉइल को डिवाटरिंग करता है, और ये यूज होता है आपका फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। और चौथा है इलेक्ट्रोमोसिस। इलेक्ट्रोमोसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, जो हर किसी तरह की सॉइल में फिट हो जाता है, जैसे कि आपकी सिल्टी सॉइल हुई या फिर सैंडी सॉइल हुई। इसमें हम विद्युतीय प्रणाली का यूज करते हैं सॉइल को डिवाटरिंग करने के लिए, ओके दोस्तों? और हाँ दोस्तों, इस इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस प्रोसेस का यूज हम जब करते हैं, जब हमारे बाकी के चारों या फिर जितने भी डिवाटरिंग प्रोसेस हैं सभी नाकामयाब हो जाते हैं, तब हम इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस का प्रयोग करते हैं, ओके? हमारा तीसरा क्वेश्चन है, द स्वेलिंग नेचर ऑफ ब्लैक वाटर सॉइल इज प्राइमरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। दोस्तों, इसका आंसर होगा मोट मोरुलिनाइट। अब मोट मोरुलिनाइट में आपको बता दूं मैं कि इसके मॉलिक्यूल्स आपस में, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। इसके मॉलिक्यूल्स आपस में एक वंडरवाल फोर्स के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, वंडरवाल फोर्स के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। ये ब्लैक वाटर सॉइल में पाया जाता है,
ये जो मिनरल्स होता है ये ब्लैक कॉटन सोइल में पाया जाता है, जो बहुत ही हाईली प्लास्टिक होता है और बहुत जल्दी श्रिंक करता है ड्राई होने पे, बहुत जल्दी ड्राई होने पे श्रिंक करता है और वेट होने पे बहुत ही स्वेल भी करता है। ओके दोस्तों, इलाइट, इलाइट का भी डिस्कस कर लेते हैं। इलाइट दोस्तों, जैसे कि इसके बीच में वंडरवाल फोर्स होता है, ऐसे इसके बीच में, इसके मॉलिकल्स के बीच में एक पोटेशियम बॉन्ड होता है, ए प्लस एक बॉन्ड होता है जो आपस में, इन मॉलिकल्स का आपस में बांधे रखता है। ये आपके मिनरल्स सॉफ्ट क्ले में पाए जाते हैं और स्टिफ क्ले में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक है आपका, दूसरा ऑप्शन है केलोनाइट। अब केलोनाइट क्या होता है, वन सेकंड दोस्तों, इरेज कर देता हूँ थोड़ा। हाँ, केलोनाइट क्या होता है दोस्तों, केलोनाइट को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम चाइना क्ले बोलते हैं, चाइना क्ले भी बोलते हैं। और इसके इस मॉलिकल्स के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा मोंट मोरिनो नाइट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसिप सॉइल्स आर, तो ऑप्शन, तो आप दोस्तों, आपको जैसे कि पता होगा कोसिप सॉइल का फाई इंडेक्स इज ग्रेटर देन नॉन कोसिप सॉइल्स। ओके, और इसी कारण से इसकी शियर स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये बैक फिलिंग के लिए गुड रहता है। तो इसलिए इसका आंसर आपका गुड फॉर बैक फिल ड्यू टू हाई स्ट्रेंथ हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आज कोसिप सेल ऑन ड्राइंग, कोसिप सेल जो होती है वो सूखने पर क्या होती है दोस्तों। आप इसका हम बेस्ट एग्जांपल दे सकते हैं, एक होती है ब्लैक कॉटन सॉइल। आपकी जो श्रिंक होती है ना, तो बहुत जल्दी, सॉरी, जब ड्राई होती है तो बहुत जल्दी श्रिंक होती है, और जब वेट होती है, जब इसे पानी, जब इसमें पानी मिलाया जाता है, तो बहुत जल्दी स्वेल भी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा श्रिंकेज, ड्राइंग होने पर श्रिंक होती है और वेट होने पर स्वेल करती है। ओके दोस्तों, ग्लेशियल सॉइल्स आर दोस सॉइल्स विच आर, दोस्तों पहला ऑप्शन है डिपोजिटेड एट द बॉटम ऑफ लेक्स। तो हमको पता है कि लेक्स के नीचे जमने वाली मिट्टी को हम लेक्सुरियन सॉइल बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन है डिपॉजिटेड इन सी वाटर, सी वाटर में नीचे जमने वाली सॉइल को हम मरीन सॉइल बोलते हैं। और तीसरा है रनिंग वाटर से ट्रांसपोर्टर होने वाली सॉइल को हम एलुवियल सॉइल बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। अब ग्लेशियल सॉइल क्या होती है दोस्तों, बता दूं आपको मैं, ग्लेशियल सॉइल को हम ड्रिफ्ट सॉइल भी बोलते हैं, ड्रिफ्ट सॉइल, या फिर इसे हम टिल सॉइल भी बोलते हैं। जिनका निर्माण आइस या फिर ग्लेशियर के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन है, व्हेन अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट द वेलोसिटी विद विच अ सॉइल ग्रेन सेटल आउट ऑफ सस्पेंशन डिपेंड्स अपॉन। दोस्तों एक सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, सॉइल पार्टिकल के सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 2/9 d²4 दोस्तों ये फॉर्मूला होता है सॉइल के पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी का। तो इसके अकॉर्डिंग सेटलिंग वेलोसिटी जो होती है वो डिपेंड करती है सॉइल पार्टिकल के डाया पे, सॉइल पार्टिकल के यूनिट वेट पे और सॉइल पार्टिकल के साइज पे। और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे सेटलिंग वेलोसिटी डिपेंड करती है। सेटलिंग वेलोसिटी डिपेंड करती है जो लिक्विड है उसके डेंसिटी पे, ये लिक्विड की डेंसिटी है, ये सॉइल पार्टिकल की डेंसिटी है। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, द सॉइल मॉइस्चर ऑफ ड्रेवन ऑफ वाई हीट इज कॉल्ड। दोस्तों इसमें ऑप्शन पहला दिया गया है फ्री वाटर। एक्चुअली फ्री वाटर को ही हम ग्रेविटी वाटर बोलते हैं। फ्री वाटर एक ऐसा वाटर होता है सॉइल में जो ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स सॉइल में से बह जाता है, बाहर निकल जाता है ये कह सकते हैं। और इसे हम सुपर फ्लसस वाटर भी बोलते हैं। ओके दोस्तों, सेकंड है हाइड्रोस्कोपिक वाटर। हाइड्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है, जब सॉइल एटमॉस्फेयर से वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है, वो वाटर हमारा हाइड्रोस्कोपिक वाटर कहलाता है। ओके दोस्तों, इसका आंसर होगा हाइड्रोस्कोपिक वाटर। अगला क्वेश्चन है, टालुस इज द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय। दोस्तों टालुस सॉइल एक वो सॉइल होती है जो ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स एक्युमुलेट होती है, यानी जमा होती है, इसे हम टालुस बोलते हैं। ओके दोस्तों, टालुस सॉइल ग्लेशियर से हमारी ड्रिफ्ट सॉइल होती है और टिल होती है, वाटर से अपनी एलुवियल सॉइल होती है और विंड से एवलिन सॉइल होती है। ओके दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। टालुस सॉइल का निर्माण होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। अगला क्वेश्चन है, सॉइल्स आर बेसिकली। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं सॉइल तो सभी तरह के मटेरियल पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, इनऑर्गेनिक पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों एज अ अकॉर्डिंग टू द इंजीनियर पॉटम व्यू, सॉइल आर बेसिकली इज मेड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। ओके दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा डी। दोस्तों ये आज के थे 10 क्वेश्चन। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा होता है तो मैं आने वाले वीडियो में आपके लिए 50 क्वेश्चन लेके आऊँगा विद फुल एक्सप्लेनेशन। ठीक है दोस्तों, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।